वो सादगी की मिसाल थी, लेकिन उनकी अदायगी बेमिसाल थी। मुझे भेजा है समाज के उन दरिंदों ने जिनका कानून कुछ नहीं कर सकता। हुनर ऐसा कि कैमरा भी उनका कायल था। फिल्म में उनका होना कामयाबी की गारंटी से कम नहीं था। उनके सांवले चेहरे पर गहरी आंखों का पहरा कुछ ऐसा कि देखने वाला उनमें डूब जाए। उन्होंने हमेशा लीक से हटकर किरदार जिया, चाहे वो प्रोफेशनल फ्रंट पर हो या फिर पर्सनल लाइफ। मैंने आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है बाबूजी। मैं विधवा नहीं हूँ। उन्होंने सिनेमा में भी अपनी शानदार अदायगी से लोगों को अपना दीवाना बना लिया था। प्रभात, मैं कोई नहीं हूँ, मैं रजनी हूँ, तुम्हारी जिंदगी। श्याम बेनेगल जैसे दिग्गज डायरेक्टर उनकी एक्टिंग के कायल थे। वो कहते थे कि इस अदाकारा से कैमरे को प्यार हो जाता था। अपने छोटे से फिल्मी करियर में इन्होंने 2 राष्ट्रीय पुरस्कार और 3 फिल्म फेयर अपने नाम किए। उन्होंने अपनी एक्टिंग का ऐसा लोहा मनवाया कि इस एक्ट्रेस के नाम की चर्चा 7 समुंदर पार तक पहुंच गई। उनकी पर्सनल लाइफ ने भी काफी सुर्खियां बटोरी। आखिर कौन थी वो हीरोइन और उन्होंने क्यों कहा था कि मैं मर जाऊं तो मेरी लाश को दुल्हन की तरह सजा देना। साथ ही औरतों के हक के लिए लड़ने वाली इस हीरोइन ने आखिर क्यों नादिरा बब्बर का बसा बसाया घर तोड़ दिया। जानेंगे और भी बहुत कुछ, आप बने रहिए हमारे साथ। उस लाश के सच को नजरअंदाज कर एक मंत्री के झूठ को सच मान लिया गया, क्या वजह थी उसकी, मैं पूछ सकती हूँ क्यों? हम बात कर रहे हैं हिंदी और मराठी फिल्मों की शानदार एक्ट्रेस स्मिता पाटिल की। महज 10 साल के अपने फिल्मी करियर में उन्होंने वो कर डाला जो शायद बहुत लोग ताउम्र नहीं कर पाते हैं। महज 31 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहने वाली स्मिता पाटिल को उनकी निजी जिंदगी में प्यार तो मिला, लेकिन रुसवाई के साथ। प्यार कहते हैं जिसे बस वो तुम्हारा ना। क्या आप जानते हैं कि फिल्म कुली में अमिताभ बच्चन के साथ हुए हादसे के बारे में स्मिता पाटिल ने एक दिन पहले ही आगाह कर दिया था। फिर आखिर क्यों अमिताभ ने नहीं मानी स्मिता की बात और पहुंच गए मौत के मुंह में? क्या आप यकीन करेंगे कि स्मिता पाटिल अक्सर जीन्स पैंट के ऊपर साड़ी पहनती थी? इसके पीछे क्या थी वजह, आपको आगे बताएंगे विस्तार से। लेकिन सबसे पहले संक्षेप में जान लेते हैं स्मिता पाटिल के फिल्मों में आने तक का सफर। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। 17 अक्टूबर 1955 को महाराष्ट्र के पुणे में एक बेहद प्रभावशाली राजनीतिक मराठी परिवार में स्मिता पाटिल का जन्म हुआ था। उनके पिता शिवाजीराव गिरधर पाटिल महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थे, वहीं उनकी माँ विद्याताई पाटिल एक सामाजिक कार्यकर्ता थीं। 12वीं पास करने के बाद स्मिता ने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में दाखिला ले लिया। जबकि स्मिता मुंबई आईं, तो आगे की पढ़ाई उन्होंने यहाँ के सेंट जेवियर्स कॉलेज में पूरी की। उनका कैमरे से पहली बार सामना दूरदर्शन मराठी के अनाउंसर के तौर पर हुआ था। दूरदर्शन में आने के बाद उनकी लोकप्रियता बढ़ी और फिल्म इंडस्ट्री के कुछ कुछ लोग उन्हें जानने लगे। अब वो न्यूज रीडर भी बन चुकी थी। कहा जाता है कि जीन्स पहनने की शौकीन स्मिता को समाचार के वक्त जब साड़ी पहनने के लिए कहा जाता तो वो जीन्स के ऊपर ही उसे लपेट लेती थी। जब टीवी पर स्मिता लोकप्रिय हो गई, उसी समय उन्हें मराठी फिल्म राजा शिव छत्रपति में एक छोटा सा रोल मिला और एक्टिंग की दुनिया में स्मिता का ये पहला कदम था। नाराज क्यों हो रहे हो? घर में जो है वही पकाऊंगी, देखो सारे डब्बे खाली पड़े हुए हैं। दूरदर्शन के साउंड रिकॉर्डिस्ट हितेंद्र घोष ने स्मिता पाटिल की मुलाकात मशहूर डायरेक्टर श्याम बेनेगल से कराई। बेनेगल उन दिनों अपनी फिल्म निशांत के लिए एक ऐसा ही चेहरा तलाश रहे थे। उन्होंने स्मिता को निशांत में काम करने का ऑफर दिया और यही ऑफर स्मिता के जीवन का टर्निंग प्वाइंट साबित हुआ। कुछ कारणों से निशांत की शूटिंग लेट हुई और तब तक श्याम बेनेगल अपनी दूसरी फिल्म चरणदास चोर के लिए भी स्मिता को साइन कर शूटिंग शुरू कर चुके थे। तो इस लिहाज से स्मिता पाटिल की पहली रिलीज हिंदी फिल्म चरणदास चोर थी। इसी साल निशांत भी आई। महज 2 फिल्मों में काम करके स्मिता ने इंडस्ट्री की तमाम टॉप हीरोइनों की नींद उड़ा दी थी।
स्मिता को अगर श्याम बेनेगल की खोज कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसके बाद 1976 में आई फिल्म मंथन में स्मिता पाटिल का अभिनय देखकर सभी ने दांतों तले उंगली दबा ली थी। और कितनी बार बताना पड़ेगा उस बात का जिक्र तक पसंद नहीं मुझे। 1977 में फिल्म भूमिका में दमदार अभिनय के लिए उन्हें सिर्फ 21 साल की उम्र में ही पहला नेशनल अवार्ड मिल गया था। महज कुछ ही फिल्मों में काम करने के बाद स्मिता बेहद कामयाब हीरोइंस के फहरिस्त में शुमार हो गईं। उनके एक्टिंग की महारत को देखते हुए एक बार श्याम बेनेगल ने कहा था कि जब भी कैमरे के सामने स्मिता कोई सीन शूट कर रही होती तो कैमरा मानो उन्हें ही देखता और बाकी सब ब्लर यानी धुंधले हो जाते। ऐसी केमिस्ट्री थी स्मिता और कैमरे के बीच। अब बात एक दिलचस्प वाक्य की। एक इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन ने स्मिता पाटिल के बारे में हैरान करने वाली बात बताई थी। अमिताभ ने बताया कि कुली फिल्म के दौरान हुए एक्सीडेंट का अंदेशा स्मिता को पहले ही हो चुका था। दरअसल हादसे से ठीक एक रात पहले स्मिता को सपना आया था कि अमिताभ घायल हो गए हैं। इस सपने के बाद वो घबरा कर जाग गई और अमिताभ को आधी रात को फोन करके उन्होंने अपना सपना बताया। अमिताभ ने हंसकर कहा था कि मैं ठीक हूँ स्मिता जी, आप परेशान ना हों। अगले ही दिन अमिताभ बच्चन के साथ बड़ा हादसा हो गया था और वो लंबे समय तक जिंदगी और मौत के बीच फंसे रहे। स्मिता महिलाओं के हक और उनकी आजादी के लिए शुरू से ही मुखर रहीं। 1981 में आई फिल्म चक्र के लिए उन्हें दूसरा नेशनल अवार्ड और फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी दिया गया। 1985 में आई डायरेक्टर केतन मेहता की फिल्म मिर्च मसाला आज भी स्मिता पाटिल के सशक्त अभिनय के लिए याद की जाती है। इसी साल भारतीय सिनेमा में इनके अमूल्य योगदान के लिए इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। अब बात स्मिता पाटिल के लाइफ के उस चैप्टर की जिसमें उन्हें प्यार के साथ रुसवाई मिली। फिल्म आज की आवाज के सेट पर उनकी दोस्ती एक्टर राज बब्बर से हुई जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। राज बब्बर पहले से ही शादीशुदा थे। उन्होंने 1975 में मशहूर थिएटर आर्टिस्ट नादिरा से शादी की थी और उनके दो बच्चे भी थे। स्मिता को राज बब्बर के बारे में सब मालूम था, लेकिन प्यार ही तो वो चीज है जिस पर किसी का जोर नहीं चलता। फिर बात दोनों तरफ से ही बराबर थी। दोनों कुछ वक्त के लिए मुंबई में लिव इन में रहे और फिर 1986 में दोनों ने शादी कर ली। जहां स्मिता पाटिल के पेरेंट्स इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ थे, वहीं राज बब्बर की शादीशुदा जिंदगी में भी भूचाल आ गया। राज बब्बर अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर स्मिता के साथ रहने लगे। औरतों के हक के लिए आवाज उठाने वाली स्मिता पर दोहरे चरित्र वाली औरत होने का इल्जाम लगा। उस वक्त का मीडिया, चाहे अखबार रहा हो या फिर फिल्मी मैगजीन, सभी ने उन्हें खलनायिका बना दिया। इधर स्मिता भी चुप थी क्योंकि वो अपने प्यार, अपनी गृहस्थी को एंजॉय करना चाहती थी। मैं इंदर को चाहती थी, तुम्हारे पति को नहीं। मैं अपना घर बसाना चाहती थी, तुम्हारा घर उजाड़ना नहीं चाहती थी। इसी साल उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया और उसका नाम प्रतीक रखा। लेकिन कुछ चाइल्ड बर्थ कॉम्प्लिकेशंस के चलते बच्चे के जन्म के महज 15 दिन बाद ही 13 दिसंबर 1986 को उनकी मृत्यु हो गई। जन्म जन्म का साथ था तुम्हारा। स्मिता पाटिल की बायोग्राफी लिखने वाली मैथिली राव ने अपनी किताब में बताया है कि स्मिता ने अमिताभ बच्चन और राजकुमार संग काफी काम किया है। शूटिंग सेट पर अक्सर राजकुमार लेट कर ही अपना मेकअप कराया करते थे। स्मिता भी अपने मेकअप मैन से ठीक वैसे ही मेकअप करने को कहती थी, लेकिन उनका मेकअप आर्टिस्ट हमेशा यही कहता था कि लेट कर मेकअप करते हुए ऐसा लगेगा जैसे किसी मुर्दे को मेकअप किया जा रहा है। तब स्मिता ने ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि जब वो मर जाएंगी तो उन्हें सुहागन की तरह ही तैयार किया जाए। 13 दिसंबर 1986 को स्मिता ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके मेकअप आर्टिस्ट उनकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए उनके घर पहुंचे, जहां उनकी अंतिम इच्छा पूरी करते हुए उनके शव को दुल्हन की तरह सजाकर उन्हें अंतिम विदाई दी गई। इस तरह भारतीय सिनेमा के आसमान का एक चमकता सितारा बुझ गया।
महज 31 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाली इस अभिनेत्री ने अपने 12 वर्षों के फिल्मी सफर में कभी ना भूलने वाली परफॉर्मेंस देकर खुद को अमर कर दिया। आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी हमें बताना ना भूलें, और अगर आपको पसंद आया हो तो हमारा चैनल प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।